तमाम मौजूद मेहमान को अकबर तालिबान को और वालदेन को और मोटिशन की इस तकरीब में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। साल 2002 के जो नई सदी की इब्तदा थी और दुनिया नई सदी के मुख्तलिफ रंग देखने में मसरूफ़ थी, वहीं दूसरी सन एक तगैर बरपा कर देने वाली सोच एक इनकलाबी कदम उठा रही थी और एक ऐसा फैसला किया गया कि जिसने हर गुजरते लम्हे के साथ कुकिंग, बेकिंग, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और इससे ताल्लुक़ रखने वाले और वाबस्ता तमाम शोबों में और इनसे शगफ रखने वाले नौजवानों को कि जो इससे बतौर प्रोफेशन अपनाने की ख्वाहिश रखते थे, उन्हें सिर्फ आगे बढ़ने ही नहीं, बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने की राहों को हमवार किया। जी हाँ, ये मौका था कि जब कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के जिसे हम उरफ़-ए-आम में गौथम के नाम से जानते हैं, इसकी बुनियाद डाली गई, 19 साल कबल शुरू होने वाला ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के जीने चढ़ते हुए तेज़ी से जारी और सारी है। 2012 में लगाए जाने वाले इस नन्हे पौधे की शाखों ने आज पाकिस्तान के तमाम ही बड़े शहरों को अपनी लपेट में ले रखा है। हम फख्र महसूस करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 14 कैंपसेस के साथ पाकिस्तान की यूथ को हुनरमंद बनाते हुए अपने पैरों पर खड़ा करने का काम में गौथम मसरूफ़ अमल है और 150 से ज़ायद मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज में हिस्सा लेने वाले इस वक्त 35,000 से ज़ायद गौथम के अलमनाइज दुनिया भर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम अपने आज की इस तकरीब में सबसे पहले वेलकम करने जा रहे हैं अपने तमाम फैकल्टी मेंबर्स और उनके साथ साथ तमाम मेहमानाने गिरामी को जो इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा तालियों में इन तमाम मेहमानों का इस्तकबाल कीजिएगा। हमारे तमाम मेहमानाने गिरामी और फैकल्टी मेंबर्स इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि आज के चीफ गेस्ट जनाब नजीब हारून साहब जो कि सिटिंग MNA हैं, वो भी हमारी तकरीब में तशरीफ ला चुके हैं। हम उन्हें भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौथम कराची जनाब इंजीनियर सादर अहमद साहब भी हमारी आज की तकरीब में तशरीफ ला चुके हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। सिंध टेक्निकल बोर्ड में बतौर चेयरमैन खदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर मसरूर अहमद साहब भी हमारी तकरीब में तशरीफ ला चुके हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। तमाम मौजूद मेहमानों का के दिल से ममनून के जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और मैं अगर यहाँ मौजूद तमाम अफराद को और ख़ास तौर पर तलबा और तालिबात से ये गुजारिश करूँ कि मेहमानाने गिरामी हम तशरीफ लाए हैं आपके फैकल्टी मेंबर, बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने कहा कि किसी भी काम की इब्तदा परवरदिगार आलम के मुबारक नाम से होती है, तो बगैर किसी ताखीर के मैं गुजारिश कर रहा हूँ तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज जहांगीर साहब से कि तशरीफ लाइए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुबारक कलाम को पेश कीजिए। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما
صدق الله العظيم صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين رسول الله صلاة الله سلام الله على هادي حبيب الله سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے صلاۃ اللہ سلام اللہ علی ہادی رسول اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین رسول اللہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ فرش خاک پہ جس کا بچھونا تھا صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی ہادی رسول اللہ. سکس کانوکیشن کو اپنے نام کیا ہے پاکستان کے اس قابل فخر بیٹے کے کہ جو دنیا میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے صرف 10 اور 20 سال نہیں بلکہ تا ابد باعث موٹیویشن رہے گا. ایک ایسا شخص کہ جس کے جنون نے پہاڑوں کی بلندیوں کو شکست دے ڈالی. دنیا کی 8000 میٹر سے بلند 7 چوٹیاں جس کے قدموں تلے آئیں, جس پر اس نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا. بتایا جاتا ہے کہ زمین سے جب آپ 6000 میٹر کی بلندی پر چلے جائیں تو سانس لینا بغیر آکسیجن کے دشوار ہو جاتا ہے, اور جب یہ سفر 8000 میٹر تک پہنچتا ہے تو انسان کے لیے سانس لینا گمان کیا جاتا ہے کہ گویا ناممکن ہو جاتا ہے. مگر وہ ایسا شخص کہ 8000 میٹر سے زائد کی بلندی جسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے,
ये उसका हौसला था, ये उसका अजम था कि जो उसे बगैर किसी जदीद सामान के, मामूली सी शूज, मामूली से लिबास और बगैर ऑक्सीजन के 8000 मीटर से बुलंद 7 चोटियों तक लेकर गया। K2 की बुलंद चोटी पर उसके कदमों के निशान पाए जाते हैं। नांगा पर्वत जिसे कातिल पहाड़ कहा जाता है, उसे -52 डिग्री सेंटीग्रेड की लहू जमा देने वाली ठंड के अंदर उसने किसी भी वसाइल के बगैर उबूर किया और पाकिस्तान का परचम लेकर वहां तक पहुंचा। न सिर्फ पहुंचा बल्कि बगैर ऑक्सीजन उसकी चोटी पर जाकर तारीख रकम की और रिकॉर्ड कायम कर डाला। एक ऐसा शख्स कि जिसकी अकीदत, जिसकी मोहब्बत, जिसकी याद में हमारे मुल्क के बच्चों से लेकर बूढ़ों और जवानों तक, टेलीविजन से लेकर अखबारों तक, घरों से लेकर बाजारों तक पूरी कौम यही पुकार रही थी और पुकार रही है कि हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। जी हाँ, मेरी मुराद किसी और से नहीं, पाकिस्तान के फखर अली सतपारा से है। और हम अपनी आज की इस तकरीब को अली सतपारा के नाम करते हैं, उन्हें डेडिकेट करते हैं, उन्हें खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं। यहाँ पर हम अली सतपारा साहब से मुतालिक एक वीडियो भी चलाएंगे और उस वीडियो को देखने के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे मैं पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अली सतपारा ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर के अंदर रोशन किया है। आप एक मरतबा भरपूर तालियां बजा कर अली सतपारा को खराज अकीदत पेश करें। मोहम्मद अली सतपारा, सतपारा साहब इस जहां में नहीं उस जहां में हैं, लेकिन बेशक हमारे दिलों में जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। वो पाकिस्तान की शनाख्त और पाकिस्तान की पहचान है। तौदीनोजाद आज के इस कॉन्वोकेशन की तकरीब से इफ्तिताही कलमात और साथ ही कॉन्वोकेशन की तकरीब का बाकायदा आगाज करने की इजाज़त तलब करने के लिए, गुजारिश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ पोडियम पर उस शख्सियत को कि जो टूरिज्म, फूड सेफ्टी, हॉस्पिटैलिटी और इस हवाले से तमाम चीज़ों के हवाले से बैनुल अक्वामी सतह पर एक मुनफरद पहचान के हामिल हैं, मुनफरद पहचान और शनाख्त रखते हैं। पाकिस्तान के नहायत बासर फॉरम से आप वाबस्ता हैं, जिनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम लिया जाए, जिनमें FPCCI का नाम लिया जाए, ECO का नाम लिया जाए, स्पेशल कमेटी ऑफ टूरिज्म का नाम लिया जाए, पाक श्रीलंका हॉस्पिटैलिटी फॉरम का नाम लिया जाए, हलाल फूड सर्विसेज का नाम लिया जाए और इसके साथ दीगर बहुत सारे फॉरम्स हैं कि जिनके साथ आप वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं, खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और आप ही वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने साल 2012 में इस शहर के नौजवानों को कि जो हॉस्पिटैलिटी से, जो होटल मैनेजमेंट से, जो फूड सेफ्टी से शगफ रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए कराची में गौतम कराची की बुनियाद रखी। मेरी मुराद किसी और से नहीं, आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत खिताब दूंगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौतम इंजीनियर साबिर अहमद साहब। योर एक्सेलेंसी, ऑनरेबल चीफ गेस्ट इंजीनियर नजीब हारून साहब, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल and the member of National Assembly of Pakistan, I would like to get permission to confer bow upon this convocation 2021. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency Mr. Khairul Nazran Abdul Rahman Sahab, Consul General of Malaysia in Karachi. Mr. Ahmed Shafiq, CEO Gotham, Pakistan and Dubai. Dr. Masroor Ahmed Sheikh, Chairman, Sindh Board of Technical Education, Karachi and Sindh. Faculty and staff members,
Pathum Karachi, parents, industrial and hospitality partners, supporters, distinguished guests, and most importantly, graduates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of management and staff of Gautam Pakistan in Dubai, very warm welcome to the 6th annual convocation ceremony of College of Tourism and Hotel Management Karachi. We must begin with by recognizing the support and sacrifice of the families of our graduates, the hard work of college faculty and staff, the generosity and support of our alumni and our industrial partners. Thank you very much, all of you. मुझे लगता है कि अब इंग्लिश छोड़ के उर्दू में कहना पड़ेगा और अपने स्टूडेंट से कुछ कहना पड़ेगा कि मुझे ऐसे ठंडे ठंडे स्टूडेंट नहीं चाहिए कि जिनकी ना आवाज निकलती हो, ना तालियां बजाते हो, ना इस्तकबाल करते हो और जिनको कहना पड़ता हो. दिस इज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. यू शुड वेलकम योर गेस्ट एवरीवेयर वेयर एवर यू जॉइन इन वर्क. आपको स्माइल भी करना है, आपको हॉस्पिटैलिटी भी दिखानी है और आपको अच्छी भरपूर तालियां भी बजानी है और हमारे जितने भी गेस्ट हैं इन सबको वेलकम भी करना है. कलिनरी आर्ट्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एयरलाइन मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन एंड मैनी अदर सेगमेंट्स जिसके अंदर हम पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मेयार की लेवल की तालीम फ्राहम कर रहे हैं. ये दौर के जिसमें से हम और आप गुजर रहे हैं, पिछले दो साल वॉज ट्रबल्ड ईयर, डिफिकल्ट ईयर फॉर नॉट ओनली फॉर द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बट ऑल्सो फॉर द एजुकेशन सेक्टर. एंड गौतम being a hospitality college faced both of these challenges in hospitality sector as well in the education sector. Lekin main ba himmat talba aur talibat ko mubarakbad deta hu ki jinhone itne mushkil halaat ke andar, difficult conditions ke andar bhi Gautam ke andar taleem hasil ki, online taleem hasil ki, sham ko aake padha, subah mein aake padha. जब हमें टाइम मिला और जब हमने बुलाया कि आए हमारे साथ, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स हु आर हियर टुडे. और मैं यकीन से ये बात कहता हूं कि इंशाल्लाह जिस जज्बे के साथ आपने इन दो सालों में मुश्किल तरीन हालात में तालीम हासिल की है, इंशाल्लाह ये आपके आगे बहुत काम आएगी. हमने ये कॉन्वोकेशन अली सतपारा को मंसूब किया और उसकी वाहिद वजह यह थी कि एक ऐसा नाकाबिले यकीन मंजर हमारी आंखों से गुजरा था कि जिसमें एक शख्स मुसलसल जद्दोजहद का इश्तहारा था और उसने पाकिस्तान के नाम को दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों के ऊपर पहुंचा दिया था. मुझे यकीन है कि जिस तरह वो नहीं घबराया कभी, इसी तरह हमारे तलबा और तालबात भी कभी नहीं घबराएंगे और इंशाअल्लाह इसी तरह पाकिस्तान का नाम पूरे दुनिया के अंदर उसी अंदाज से रोशन करेंगे जिस तरह अली सतपारा ने रोशन किया. मैं दावत खिताब दे रहा हूँ सिंध टेक्निकल बोर्ड में बतौर चेयरमैन अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले हमारे मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर मसरूर अहमद साहब को भी सर तशरीफ लाइए आपकी भरपूर तालियों में. और इस तकरीब के मुताबिक प्रोथम के मुताबिक अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए. लेकिन साबिर साहब फरमा कर गए कि उन्हें अपने तलबा की जानिब से इतनी बेजान तालियों की तवक्का नहीं है. थैंक यू वेरी मच.
मोहतरम इंजीनियर रजीब हारून साहब, एमएनए और चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, हिज एक्सलेंसी खैरुल रजान कौंसल जनरल मलेशिया कराची, हमारे शफीक अहमद साहब सीईओ गौतम, जिन्होंने गौतम की दाब पेड़ डाली पाकिस्तान में, फाउंडर सीईओ साबिर साहब, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, डिस्टिंग्विश गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो तकरीब है इसमें बड़ी ख़ास बात यह है कि पेरेंट्स भी मौजूद हैं, तो बच्चों जब पास होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं या कोई अचीवमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसको खुशी होती है? पेरेंट्स को होती है। तो मैं पेरेंट्स को जो आज इस तकरीब में मौजूद हैं, सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये यकीनन आज उनके लिए बहुत खुशी का मौका है कि उनके बच्चे इस तकरीब में मौजूद हैं। साबिर साहब ने जिक्र किया अपनी अचीवमेंट का और कोविड का भी जिक्र हुआ। जहाँ देखिए, जहाँ थ्रेट होता है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी होती है। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए जहाँ थ्रेट था वहाँ अपॉर्चुनिटी समझ के वो काम किए। फॉर एग्जांपल, एक मामूली सी चीज़ थी जो कि मैं होम डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एक MOU साइन कर चुका था TCS से 3 साल पहले, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था मैं। लेकिन जब मुझे अच्छी तरह याद है 19 मार्च 2019 को फ्राइडे का दिन था जो कोविड लॉकडाउन लगा, तो उस दिन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी और मैंने अपनी विंडो जो स्टूडेंट फैसिलिटेशन की बंद कर दी और फिर हमारे पास TCS का जो एक MOU था वह काम करना शुरू कर दिया। तो यकीनन ये अपॉर्चुनिटी होती है, और सबसे ज़्यादा जो कोविड में अफेक्ट हुआ है वो एजुकेशन सेक्टर अफेक्ट हुआ, उसके बाद टूरिज्म में हॉस्पिटलिटी और ट्रेवलिंग या ट्रांसपोर्ट है, तो वो सब इफेक्ट हुए हैं। खुशी की बात और अपॉर्चुनिटी की बात साबिर साहब ने जिक्र कर दिया कि आपके साथी, आपके लोग, जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं यहाँ, वो चलेंगे, वो अब इंगेज किए जा रहे हैं। मिस्टर अहमद शफीक, CEO, कौंसल पाकिस्तान इन दुबई, डॉक्टर मसरूर अहमद शेख, चेयरमैन सीन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मिस्टर साबिर अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कॉटम, एमिनेंट गेस्ट, पेरेंट्स, स्टूडेंट, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी एट द आउटसेट कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू हु आर ग्रेजुएटिंग। टू बी फ्रैंक विद यू, कॉटम इज नो स्ट्रेंजर टू मी। एवरी टाइम आई कम टू कॉटम, they will welcome me with the Malaysian hospitality, especially Malaysian food, alhamdulillah. Convocation, needless to say, this is a great moment, great joy of you and your parents. Today is truly a day of milestone and a day of celebration. Your academic effort had come to fruition. This marks the completion of one stage in your life, and another is about to begin. Many of you will be moving out of this shelter confined of the college and entering a real world, and this definitely poses some challenges. Every end definitely has a new beginning. Convocation is time to look back to all that has brought us to this point and to recognize both individual excellence and the communal investment that enable each one of us to flourish. Cotton has demanded much of you, and you have proved yourself equal to every challenge with courage. Courage is not about climbing the Mount of Everest. It is about the being true of you. Provided you build on this strength from here on, I'm confident that your future in the real world is secured. Ladies and gentlemen, look back at the past, especially our Islamic scholars that make us proud. I could mention Al-Khwarizmi, whose name gave us the word algorithm. Al-Khayyam, who made many important discoveries in algebra and geometry, and Al-Buzyani, a pioneer in trigonometry. And in medicine, of course, we know, we can cite Ibn Sina, and the list goes on. Based on this achievement by these scholars, I call each of you to action, to go out from this
college recipient to work actively toward living a good, generous life. Keep a sense of perspective on the advances you have made. I invite you to look ahead 20 years from now and to ask you to ask yourself two questions. Firstly, when my story is written, what would I like people to see? And the second one, what will be my contribution to my family, to my community, to my profession, to Pakistan, and perhaps to Malaysia too, and to the world around me? Ladies and gentlemen, allow me to slightly dwell a little bit into a bilateral relation between our two brotherly nations, Malaysia. This is our focus. It has gone through extensive changes through the years. Suggestion I like the government's endless effort in trying to improve the quality of education for its people. After a decade and new millennium, the education scenario was more pressed to undertake more improvement in trying to cope with the demand and expectation in the 21st century. For your information, in the year 2021, education sector in Malaysia received the largest allocation of $12.3 billion, or 15.6% of the national budget. We have also expressed our commitment to our national budget allocation of $3.5 billion for higher education. To our international friends, especially in Pakistan, Malaysia has a unique philosophy of education that speaks of an ongoing effort toward developing the potential individual in a holistic and integrated manner, producing individuals who are intellectually, spiritually, emotionally, physically balanced and harmonious. And we want Pakistan to be part of our history. Malaysia as a center of educational excellence offers various public and private higher education programs, which is not only of the international standards, but also at affordable cost. Pakistan students would find Malaysia hospitable and safe place to be, with many options of study to all levels of education. To learn from Malaysia, great diversity, rapid economic development, peaceful and harmonious multicultural society, Malaysian universities are always ranked high in the global university rank table by the QS World University Ranking. This is a testament to our standard. So please welcome to Malaysia to further your study, inshallah. And one fine day, I would be delighted to see you, every single of you, to emerge as the tourism ambassador for Malaysia, for the promotion of our tourism industry. And once again, a dove hat to 150 who are graduating. Thank you. आज के प्रोग्राम की इब्तदा में मैंने जिक्र किया था कि साल 2002 में एक इनकलाबी फैसला और एक इनकलाबी सोच उठी थी कि जिसने एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक बड़ा तगैयर और बड़ी तब्दीली बरपा की थी। आपके सामने मैं माइक पर आने के लिए उस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ कि जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी को पाकिस्तान से बाहर जाकर पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ाने का कोई बाकायदा निज़ाम, कोई इदारा मौजूद नहीं था। आप बाहर गए, तालीम हासिल की, सीखा, और सीखने के बाद अगर चाहते तो वहाँ रहकर शायद डॉलर्स और पाउंड्स में बड़ी भारी तनख्वाहें ले सकते थे, लेकिन आपने फैसला किया कि जो सीखा है वो अपने मुल्क को लौटाना है। आपने वापस पाकिस्तान आने का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान आकर आपने कौथम की बुनियाद रखी, और ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं इन्हें एजुकेशन की शक्ल दिलवाई, वरना पहले लोग सीखते थे, होटल्स में काम करते थे, लेकिन ना कोई सर्टिफिकेट था, ना डिग्री हुआ करती थी, ना डिप्लोमास हुआ करते थे। आपने 19 साल की अनथक मेहनत और जद्दोजहद के बाद इसे बाकायदा एजुकेशन बनाकर इसमें पै दर पे मुख्तलिफ मराहिल के अंदर इजाफा करते चले गए। मैं आपकी भरपूर तालियों में उस शख्सियत को दावत दे रहा हूं कि अगर वो ना होते तो शायद इन सारे कोर्सेज का नामो निशान ना होता, कोई वजूद ना होता। ये कौथम और इससे वाबस्ता सारी चीजें आप ही का क्रेडिट है, आप ही की क्रेडिट पर है। आपकी भरपूर तालियों में कौथम के फाउंडर एंड सीईओ जनाब अहमद शफीक साहब के, जिनकी सरपरस्ती में कौथम कराची से निकलकर, पाकिस्तान से निकलकर दुबई तक जा पहुंचा है। अगर आप अपने नशिस्तों को छोड़ें और नशिस्तों से खड़े होकर तालियां बजाएं तो शायद इनकी मेहनतों का हक अदा हो सकेगा। जनाब अहमद शफीक साहब,
Assalamu alaikum. Very dear students, parents, guests, and mere bahut honorable मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप बल्कि आज पाकिस्तान से बाहर से आए हैं और तशरीफ लाए हैं, हमें डायरेक्टली आपके टाइम दिया है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज का दिन कॉटन कराची सिक्स कॉन्वोकेशन जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और कंडक्ट कर रहे हैं। मैं साबर आहमद साहब, हुसैन साहब, अदर जमील साहब, श्री मदर साहब और तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज किया और वेल डन कॉटन कराची। आज के तमाम जो पास आउट्स हैं, जो क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स हैं, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि अपने बच्चों को एक ऐसे प्रोग्राम, ऐसी क्वालिफिकेशंस की तरफ लेके आए जिनकी तरफ अभी लोगों का शायद रुझान नहीं है, जिसे हम डिग्री विद स्किल कहते हैं। मुझे यकीन है कि जो क्वालिफिकेशंस आपने यहाँ से ली हैं वो आपको इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाएगी। 19 साल से जो काम हो रहा है ये एक ऐसा ख्वाब था जो बहुत साल पहले देखा, और जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद इस काम के लिए मैं वापस आया तो वो पूरा हो रहा है। आज 35,000 पास आउट्स जो है कॉथम के पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। आपके इसी शहर में जितने बड़े मेजर होटल्स हैं, मैरियट हो, बीसी हो, अवारी है, मोमेंटपिक है, इन तमाम में भी डायरेक्टर लेवल पे कॉथम के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। कॉथम जिसका जैसे साबर साहब ने जिक्र किया, 2002 में ये अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से इस आइडिया में हमने काम किया। हमारी 14 ब्रांचेस है पाकिस्तान में और एक यूएई में है। 35,000 स्टूडेंट्स की अलुमनाई है। 6 डिपार्टमेंट्स कॉथम में काम कर रहे हैं जिनके अंदर डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी है, जिसमें कलनरी है, जिसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म है, जिसमें बेकिंग एंड कैटरिंग है, जिसमें फूड सेफ्टी और डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्किल जो हमने रिसेंटली शुरू किया। जैसे चेयरमैन साहब ने फरमाया थोड़ी देर पहले, क्योंकि वो टेक्निकल एजुकेशन को देखते हैं सिंध में, पाकिस्तान में एक अलमिया ये रहा है कि हमारी हुकूमतों ने, ये को मैं इल्जाम नहीं दे रहा, ये मैं वो हकायक की बात कर रहा हूँ, इन्होंने ये सोचा नहीं है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो नई यंग जनरेशन है, जिस 60% यूथ की हम बात करते हैं, इस यूथ ने करना क्या है, इनके पास करने के लिए क्या होगा। हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पे हमारा फोकस रहा है और जनरल एजुकेशन पे हम टोटल अपना सारा फोकस करके, आज भी उसी पे फोकस करके किए बैठे कि हम एमए क्रिएट कर रहे हैं, हम बीए क्रिएट कर रहे हैं, हम एमबीए क्रिएट कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं है कि स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी की जरूरत है पाकिस्तान को। दुनिया बहुत सालों पहले स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी पे चली गई, डिग्री विद स्किल। 60% यूथ जो पाकिस्तान की है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 40,00,000 लोगों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया पाकिस्तान में, उनमें से तकरीबन 35,00,000 पास हो गए ड्यूरिंग कोविड की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपने सूबे के मिनिस्टर एजुकेशन से पूछा कि ये जो 35,00,000 जो लोग पास, 3.5 मिलियन पास हो गए, इनके लिए आपके पास कोई प्लान है? उन्होंने कहा जी हमारे पास क्या है, इवन फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है कि इन 35,00,000 के साथ हमने क्या करना है, इनको हमने क्या क्वालिफिकेशन देनी है,
इनको हमने टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, या जनरल एजुकेशन की तरफ लेके जाना है। तो वो पॉपुलेशन के लिए, यंग लोगों के लिए वो डायरेक्शन नहीं है जो गवर्नमेंट से सेट करनी होती है। जैसे दुनिया में है कि हाई स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, हाई स्कूल के बाद फैसला हो जाता है किस बच्चे ने यूनिवर्सिटी जाना है या इसने टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जाना है, वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ जाना है। पाकिस्तान के निजाम ने जब से आजाद हुआ है 4 या 5 क्वालिफिकेशन बनाए जनाब चेयरमैन साहब, उसमें एफए है, उसमें एफएससी है, उसमें आईकॉम है, उसमें डीकॉम है, या उसमें आईसीएस है। इसके अलावा अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो मुझे बता दीजिए। हमने पिछले 10 साल में 5 क्वालिफिकेशन बना के बोर्ड सिस्टम में डाल दी पाकिस्तान के, और वो 100% कौथम ने काम किया। वो 5 क्वालिफिकेशंस वो हैं जो आपके मैट्रिक के बाद जो बच्चे जब वो एफएससी करने के लिए जाते हैं, हम कहते हैं कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, ये आप जहन में रखिए। हर बच्चे की कैपेसिटी, हर बच्चे में वो रटे की कैपेसिटी नहीं है कि वो लगा के और वो एफएससी में अच्छे नंबर ले और उसके बाद वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, या उसमें वो काबिलियत हो वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। 10,000 मैक्सिमम डॉक्टर इंजीनियर पाकिस्तान में बन सकते हैं एक साल में, इससे ज्यादा सीटें ही नहीं है आपके पास। सीईओ कौथम पाकिस्तान इन दुबई जनाब अहमद शफीक साहब आपसे मुखातिब थे। बहुत तेजी के साथ खवातीन आज़ाद, ये बात मैं करना आज जरूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक माइंडसेट बन चुका है जिसने लोगों को ये बताया है कि सियासत अगर करनी है तो लोग अपनी जेबें भरने के लिए और अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए किया करते हैं, और सियासत में मौजूद तमाम अफराद एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे अहबाब, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो लोगों के लिए, नौजवानों के लिए मशाले राह हैं, और उन्हीं में से एक शख्सियत के जो इस वक्त सिटिंग एमएनए के तौर पर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी फॉर हाउसिंग एंड वर्क को हेड करते हैं, साथ ही हालिया दिनों में आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुए हैं, और इब्तदा में जो मैंने बात की आप सोच रहे होंगे उस बात का इन तमाम चीज़ों से क्या रब्त है, तो आपको बताता चलूं कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस में आप वो वाहिद शख्सियत हैं कि जो सरकार से तनख्वाह की मद में, बेनिफिट्स की मद में, किरायों की मद में 1 रुपया भी वसूल नहीं करते, बल्कि अपनी जेब से खर्च करते हैं, और सिर्फ इसी पर बस नहीं है, लोग टैक्स चोरी करते हैं। आप पाकिस्तान के हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर के तौर पर भी जाने जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी नशिस्तों से खड़े हों, हमारी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आपकी भरपूर तारियों में जनाब एमएनए इंजीनियर नजीब हारून साहब तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, लेकिन आपकी तालियों में वो जोश और जज्बा नहीं है जो हारून नजीब साहब के लिए होना चाहिए। थैंक यू। मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। कौंसल जनरल मलेशिया खैरुल नजरान अब्दुल रहमान साहब, सीईओ गौतम अहमद शफीक साहब, इंजीनियर डॉक्टर मसूर अहमद साहब, इंजीनियर साबिर अहमद साहब, यहाँ मौजूद पेरेंट्स, फैकल्टीज और स्टूडेंट्स, सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक के पाकिस्तान के अंदर दीगर शोबों की तरह इस वक्त अल्लाह की मेरे मेहरबानी से टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट और दीगर जो अभी एमएच शफीक साहब ने जिन शोबों की बात की वो खुल रहे हैं, और नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जब अपने तालीम से बराबर हो रहे हैं तो ये सारे शोबे उनके लिए खुले हुए हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। जिस ज़माने में हमने तालीम हासिल की 60-70 के अचड़े में, तो यकीनन जैसे अहमद शफीक साहब ने कहा कि मैट्रिक इंटर के अंदर अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल में दाखिला नहीं होता था तो ऐसा ही लगता था कि अब मुस्तकबिल तारीख है। रिस्क का वादा अल्लाह ताला का है, और यकीनन
अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है कि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह चाहता तो तमाम लोगों को बराबर पैदा कर देता, लेकिन अगली आयत में ये है कि फिर दुनिया में फसाद हो जाता। तो एक हायरार्की जरूर है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने हर जगह बरकत रखी हुई है। आज कुछ प्रिंसिपल्स ले लिए हुए हैं। मेरा गौतम से जो तारुफ सिर्फ 3 माह पुराना है, जब मैंने वो जगह देखी और थोड़ी सी मालूमात के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर किस तरह की तालीम और किस किस शोबे के अंदर है, तो मैं सबसे पहले तो जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी तालीम मुकम्मल करके अपनी सर्टिफिकेट्स डिग्रीज ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की ये खूबी, ये 3वीं दुनिया का मुल्क है। और जब से आपने होश संभाला होगा, यही सुना होगा कि हम तरक्की पसीर मुल्क हैं, 3वीं दुनिया का मुल्क हैं और तरक्की की मनाजिल अभी हमने तय करनी है, मुश्किलात में घिरे हुए मुल्क हैं। लेकिन एक तवील अरसे तक पाकिस्तान अपना बेहतरीन दिमाग, अपने बेहतरीन लोग जो है उनको इंजीनियर बना के, डॉक्टर बना के, वकील बना के, मास्टर्स करा के मुख्तलिफ शोबों के अंदर साइंटिस्ट बना के, फिजिशियस्ट बना के एक्सपोर्ट करता रहा। नतीजा कि इस वक्त अगर आप पूरा दुनिया का जायजा लें, पूरी दुनिया का जायजा लें, तो चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, फार ईस्ट हो, इन तमाम ममालिक के अंदर पाकिस्तानी वहाँ पर अपने कारनामे भी अंजाम दे रहे हैं, जाती सतह के ऊपर भी, और उन मुल्क के अंदर तरक्की का और बहुत ज़्यादा कामयाब। मैं अभी आज सुबह अमरीका से वापस आया, चूँकि मैं जब जाता हूँ तो पुराने दोस्तों से, अहबाब से और अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से, PTI के हवाले से मेरी मुलाकात होती है, तो ज़बरदस्त हर जगह पाकिस्तानियों ने कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं और वहाँ पर उनका भरपूर होम इकोनॉमी इसके अंदर हिस्सा है, उनको वहाँ तक पहुँचाने के अंदर। हमारी बदनसीबी कि हम अपने इस असासे को इससे आरास्ता करने के बाद हम अपने पास उनको रोक नहीं सके, हम उनको यहाँ मवाके नहीं दे सके, हम उनको उनको होल्ड नहीं कर सके अपने मुल्क के अंदर कि वो इस हमारे मुल्क की तरक्की के अंदर भी वो भरपूर किरदार अदा करते। जो भी अमूमी हालात दुनिया के पैदा हुए उसके अंदर भी बाज़ुकात एक पाकिस्तान के पास ये मौका मैसर आया है कि वहाँ बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और दुनिया के हालात भी इस तरीके से हैं कि कुछ लोगों के पास, तो आज ये मौका पाकिस्तान को मैसर आया है कि जिस तरह से कहते हैं ना बमा सूद के, क्योंकि अब वो एडवांस वर्ल्ड का बेइंतहा अच्छा तजर्बा भी हासिल कर चुके हैं, कुछ ना कुछ माल दौलत भी कमा चुके हैं कि अगर हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और अपने मुल्क के हालात को इस काबिल कर लें तो हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है और मैं भी जैसे अभी हमारे भाई अहमद शफीक साहब ने कहा कि आप लोग तो खैर बहुत अर्ली करियर में हैं, इस वक्त स्टेज के ऊपर भी मुझे खुशी हुई मालूम करके कि हम 3 इंजीनियर्स बल्कि एक ही अल्मा मेटर से NED के मैं भी ग्रेजुएट हूँ हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं भी 24 साल की उम्र में मुल्क से बाहर चला गया था और मैंने सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ वक्त लगाया, फिर मैं MS करने अमेरिका गया, तो 30 साल की उम्र में मैं अमेरिका गया और अपना MS करके वापस आ गया था। तो वापस आने के बाद एक ही ख्वाब सजा हुआ था और मैं आज जो आपसे जब ये बातें कर रहा हूँ तो इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि आप भी इस ख्वाब को सजा के दुनिया में जहाँ भी जाना पड़े तालीम को हासिल करने के लिए, हुनर को हासिल करने के लिए, तजर्बे को हासिल करने के लिए, लेकिन जब भी आप देखें तो आपका मुल्क आपका इंतजार कर रहा हो और यहाँ पर जो आपका इस्तकबाल होगा और जो आप मुकाम हासिल कर सकते हैं, जो इज्जत हासिल कर सकते हैं, जो एहतराम हासिल कर सकते हैं, वो यकीनन दुनिया की दीगर ममालिक के अंदर वो मुकाम उस तरह से नहीं मिलता। और वैसे भी जो एक उर्दू की कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जो भी जहाँ जहाँ है
अपने बच्चों से जो यहाँ पर आज कर रहे हैं, मैं बस दो तीन बातों उनकी तवज्जो जरूर दिलाऊंगा कि अपने मुस्तकबिल पर जब आप हाथ रखें तो ये यकीन रखें कि आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, आप सिर्फ अपना रास्ता खुद रोक सकते हैं। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किसी चीज को कमतर या छोटा नहीं करना पड़ेगा, हर हर मरहले को एक सीढ़ी समझ के आपने चढ़ते चले जाना है, आगे की तरफ नजर रखना है, अगले कदम के ऊपर नजर रखना है। जो चीज आपका साथ देगी, जो वो आपकी रेपुटेशन होगी, वो आपके बारे में जो लोग राय कायम करेंगे, आपके सुपीरियर्स, आपके कुलीग, तो जिस तरह से इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जो है, ये दो वो चीजें हैं, अगर आपने पकड़े रखा, उनको पकड़े रखा, तो इंशाल्लाह ताला अपनी सलाहियत को बढ़ाते हुए, कॉम्पिटेंस को बढ़ाते हुए, तजर्बे को बढ़ाते हुए, हाँ आजकल कंटिन्यूड एजुकेशन का दौर है, आपको लगातार इंटरनेट के जरिए, किताबों के जरिए, अपने इदारों के जरिए अपनी तालीम और अपनी तरबियत को बढ़ाते रहना पड़ेगा ताकि आप आने वाले वक्तों के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हमारे यहाँ पे मलेशियन कौंसल जनरल भी मौजूद थे, मैं भी अपनी अमूमी सियासत के अंदर जिनकी गहरी नजर रखता हूँ उन मुल्कों के अंदर, जाहिर है चाइना तो हमारे रीजन का बड़ा मुल्क है, लेकिन मलेशिया और तुर्की वो दो ममालिक हैं जिन्होंने पिछले 25-30 साल के अंदर तीसरी दुनिया से निकल के और अब फर्स्ट वर्ल्ड के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहे हैं, उन्होंने वो मनाजिल तय किए हैं। इस रोल मॉडल को हमें हर वक्त देखते भी रहना है और फॉलो भी करना है। जो और यहाँ पर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब आप अपने करियर को लॉन्च कर रहे हैं, इनिशियल तजर्बे के बाद एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि आपके अंदर अल्लाह ने हर एक के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो एक लीडरशिप का रोल ले ले, वो एक एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बन जाए। हाँ, ये यकीन बात है कि वो पिरामिड जरूर हर वक्त रहेगा कि उसके अंदर कुछ लोग टॉप तक पहुंचेंगे, कुछ उससे नीचे होंगे, लेकिन यकीन रखेंगे जब अपना बेस मजबूत होगा, क्योंकि इसी बेस के ऊपर वो पिरामिड खड़ा हुआ होता है जहां पर जो सारा वजन ले रहा होता है, तो आपकी जहां ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप क्लाइंब करते हुए उस पिरामिड के टॉप के ऊपर पहुंचे, लीडरशिप का रोल अदा करें, लेकिन अगर आपने अपनी इंटेग्रिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी सलाहियत और अपने इल्म को बढ़ाते रहे तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकेगा और आप वहां पहुंच सकेंगे। मेरे बारे में दोस्तों ने, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, कुछ बात रखी कि मैं पाकिस्तान का पार्लियामेंट का वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर हूं। ये बात इस वक्त ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है क्योंकि जाहिर बात है कि टैक्स एक ऐसी चीज है कि किसी को शाबाश दी जाए कि वो अपनी दवा पूरी खाता है, जैसे डॉक्टर दवा हर एक को देता है कि इतने 2 मिलीग्राम के 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम, तो हर आदमी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब जो होगा तो उसके मुताबिक ही दवा खाएगा। तो ये हमारा मुल्क है जिसमें ये भी शाबाश मिलती है कि जनाब ये टैक्स ज्यादा देता है या पूरा देता है, लेकिन ये बात उस वक्त ज्यादा रेलेवेंट होती है जो मैं अपने बच्चों से और उनके जो यहाँ पेरेंट्स मौजूद हैं जिनके और बच्चे तालीम के स्टेजेस के अंदर होंगे, कि जब मैं एनडी में इंजीनियरिंग पढ़ता था तो मैं रात को नौकरी करता था। यहाँ पे अभी पीआईए के हमारे डायरेक्टर साहब ने चले गए, यहाँ पर मौजूद थे, उनका नाम सलमान जावेद साहब था, तो आफ्टर एफएससी मुझे इंजीनियरिंग में भी दाखिला मिला, लेकिन माशी हालात का तकाजा ये था कि मैं मुलाजमत करूँ, तो मैंने पीआईए के अंदर 2 साल 8 महीने नौकरी की। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर कोशिश करते रहेंगे तो अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह आपको रास्ता देते रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग मैंने पीआईए में रात को नौकरी करके किया, और फिर जब मैं उस जमाने में एनुअल सिस्टम होता था, मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में आया तो वही पीआईए का तजर्बा मेरे काम आया, और मुझे सऊदी अरब एयरलाइन में जिस तरह से एमएस शफीक साहब बता रहे थे कि दुबई और मिडल ईस्ट सब आपका इंतजार कर रहा है, मुझे सऊदी अरब वहां मैंने थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में कोई 9-10 महीने मुलाकात की और इस तरह से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, और फिर उसके बाद जाहिर बात है मैंने पाकिस्तान में 2 साल और फिर सऊदी अरबिया में 3.5-4 साल
काम करके, लेकिन 30 साल की उम्र के अंदर थोड़े से पैसे जमा करके, रियाल जमा करके, डॉलर बना के मैंने अमेरिका जाके अपना एमएस करने का बेड़ा उठाया। ये पाकिस्तान के इदारे जो इंजीनियरिंग मेडिकल और आप जैसे गौतम आपको ये ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये इतनी अच्छी बेस आपके तैयार किया करते थे और कर भी रहे हैं। और मैंने अब जो नया बेड़ा उठाया है चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बतौर एमएनए के लिए, मेरे लिए बड़ा मुश्किल फैसला था कि मैं सिटिंग एमएनए था और मेरी फ्रेटर्निटी इंजीनियरिंग थी, लेकिन मैंने ये सोच के कि पाकिस्तान को, मेरे मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम बेहतर इंजीनियर्स बनाएं और हमारे मुल्क को जो कि तीसरी दुनिया का मुल्क है और जिसने इंशाअल्लाह ताला, अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं तो मेरी दुआ है कि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड का और तरक्की याफ्ता दुनिया का हिस्सा बनना है, तो उस तक पहुंचने के लिए इंजीनियर्स का तो रोल है ही है, क्योंकि वो एक खराबत दस्ते का रोल अदा करते हैं डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन यकीनी बात है कि पूरा सपोर्ट सिस्टम जब काम करता है इफेक्टिवली तो फिर मुल्क तरक्की करते हैं। हमने आज का दिन मोहम्मद अली सत्तारा के नाम किया। ओलंपिक्स की जब तमगों की लिस्ट आती है, अगर आप उसको जब देखेंगे तो जो दुनिया के मुल्क तरक्की याफ्ता तरीन है उनके पास तमगे भी ज्यादा होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तलाई सोने का तमगा, चांदी का तमगा, ब्रॉन्ज का तमगा। और जो मुल्क हमारे जैसे मुल्क जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी तरक्की पजीरी के अंदर, दलदल के अंदर दसे हुए हैं, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमगों की लिस्ट के अंदर सबसे नीचे होते हैं, या शायद हमारे बाद अफ्रीका के कुछ ममालिक रह जाते हैं। तो कौमों को जब ऊपर की तरफ जाना होता है तो तमाम शोबे, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, हाँ जिस जिसके पास जो जो जिम्मेदारी है उसको भरपूर अदा करे। और जब अल्लाह इस्तेआत दे, क्योंकि जाहिर बात है कि जब से हम होश संभालते हैं हम ले रहे होते हैं, हम पहले माँ बाप से लेते हैं, फिर उस्तादों से लेते हैं, फिर एम्प्लॉयड से लेते हैं, कारोबार से लेते हैं, हम लेते रहते हैं। लेकिन हम में से हर एक को, और खास तौर से जो मेरी उम्र के लोग हैं उनकी तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि हमको देने की आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि कोई भी खजाना ऐसा नहीं कि आप उससे निकालते चले जाएं और कोई लोग भी उसके अंदर वापस ना करें। तो आप भी जब इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योर बने और कामयाब हों तो अपनी फैमिली को भी, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी और मुल्क को भी वापस कीजिए, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की करे। और ये जो मेरा अमल था, क्योंकि मैं कोई करियर पॉलिटिशियन नहीं था, मैं टेक्नोक्रेट था, मैं प्रोफेशनल था, मैंने मास्टर्स किया था, मैं एक एंटरप्रेन्योर था, मैं अपना कारोबार करता था, तो मेरी सियासत एक इबादत की तरह थी। कि मैं पीटीआई का फाउंडर हुआ, बड़े फख्र से ये बात कहता हूँ कि मैं जब यानी कराची के जो भी हालात थे 96 के अंदर, मैं कराची का पहला सदर बना, पहला झंडा उठाया, बिकॉज आई थॉट कि हम मेन स्ट्रीम में जाएं और पूरा पाकिस्तान तरक्की करे जिसमें कराची का भी भरपूर हिस्सा हो, पाकिस्तान आसमान की दुनिया की कौमों के दरमियान में दरमाए। तो ये जो मेरा अमल था कि जब मैं कौमी असेंबली का एमएनए इलेक्ट हुआ तो पाकिस्तान की तारीख का मैं पहला एमएनए बना, कि मैंने स्पीकर को खत लिखा और खत में क्या लिखा कि जी मैं ना तनख्वाह लूंगा, ना असेंबली के सेशंस का अलाउंस लूंगा, ना जो घर पार्लियामेंट्री लॉज मिलता है वो लूंगा, ना मेडिकल लूंगा, ना जहाज का कराची से आने जाने का टिकट। तो ये मेरा अपने मुल्क को, अपनी कौम को वापस करने का तरीका था। इनकी नसीहतें और अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बहुत तेज़ी के साथ हम अपने आज के इस 6 कन्वोकेशन के दूसरे सेशन की जाने पड़ेंगे कि जिसमें अवार्ड्स और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला है और इसकी इब्तदा हम करने लगे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ईडी गौतम कराची मोहतरम साबिर अहमद साहब से कि तशरीफ लाइए स्टेज पर और तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के इब्तदा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर मसरूर अहमद साहब से कि सर आप भी आगे की जानिब तशरीफ लाइए, आप लोगों की तालियां साथ जुड़ी रहेंगी। मैं गुजारिश करूँगा सदर नाजरान अब्दुलरहमान साहब से, प्लीज़
तशरीफ लाइए, आपके साथ साथ मेरी गुजारिश होगी अहमद शफीक साहब से जो कि सीईओ हैं कौथम पाकिस्तान एंड दुबई के, सर आप भी तशरीफ लाइए, और साथ ही हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब नजीब हारून साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि सर स्टेज पर तशरीफ लाइए, आपकी तालियों ने साथ नहीं दिया, ये साथ रहना चाहिए। सबसे पहले हम आगाज करने लगे हैं डिप्लोमा इन कल्चरल आर्ट्स नॉर्थ नाजमाबाद कैंपस बैच 1 से DCA, पहला नाम हमारे पास रूबा फातिमा, तशरीफ लाइए, जहां तशरीफ लाइए मतलब आपके बाद अब हम बढ़ेंगे डिप्लोमा इन बेकिंग एंड पैटिसरी नॉर्थ नाजमाबाद कैंपस सुमैया मंसूर साहिबा, आपके बाद मेरी गुजारिश होगी मिस मिसाल सिद्दीकी से बैच 1, अपने दोस्तों के लिए आप लोग यकीन तालियां बजा सकते हैं, मैं गुजारिश करूंगा फातिमा बानो साहिबा से, मोहतरमा सनोबा शुएब नाम है आपका, अस्मा जफर साहिबा तालियां दम तोड़ दी जा रही हैं, मोहम्मद उमैद सलीम साहब DCA बैच 31 शफी इकबाल साहब, आइए सर्टिफिकेट वसूल कीजिए। इसी दौरान मैं स्टेज पर मधु कर रहा हूँ हमारे आज के मौजूद मेहमान जनाब अल काजिम मंसूर साहब को जो कि सीईओ हैं PAF के, आपकी भरपूर तालियों में सर स्टेज पर तशरीफ लाइए, ज्वाइन कीजिए हमारे मेहमानाने गिरामी को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इनके बाद हम बढ़ेंगे बैच 32 की जाने मोहम्मद रोमान निज़ाम, तालियां आप लोगों की दम तोड़ चुकी हैं, सांस तेजी से बचता रहे ताकि तालियों का एहसास ज्यादा ना हो हमें। डिप्लोमा इन बेकिंग एंड पैटिसरी गुलशन कैंपस सहर उस्मान, तशरीफ लाइए, मोहतरमा मरियम फरीद साहिबा बैच 6 DIPB, मेरी गुजारिश शामना इस्लाम से मौजूद मेहमान गिरामी से अपने सर्टिफिकेट वसूल करें, आपके बाद DIPP बैच 6 तहरीमा तबरेज से इल्तमास कर रहा हूँ, आइए और आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि तानिया बजाएंगे। DIPP बैच 7 सैयदा माहम तारिक से गुजारिश, आपके बाद आयशा रफीक से गुजारिश करेंगे कि तशरीफ लाइए, अगला नाम मिस वंशा बौरी, तशरीफ लाइए सर्टिफिकेट वसूल करें, मौजूद मेहमान आने के नाम से मेरी गुजारिश है मुबीन बशीर मुबीना बशीर से सर्टिफिकेट मौजूद मेहमान से वसूल करें, और आपके बाद हम गुजारिश करेंगे मिस सादिया नाज जिन्होंने अपना कोर्स मुकम्मल किया, तशरीफ लाइए। इसी के साथ बेहद मशहूर और ममनून वकास अदीब साहब की कि सर आप स्टेज पर तशरीफ लाए और आपने तलबा तलबात की हौसला अफजाई की, तालियों में रुख्सत करेंगे हमारे मेहमान को, मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस्मान लखानी साहब से MD कंस्ट्रक्शन लिंक, सर आपकी भरपूर तालियों में उस्मान लखानी साहब स्टेज पर तशरीफ लाइए, जमाना नए सुबह शाम इसी नई नस्ल ने पैदा करने हैं, आपके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब अब्दुल मुक्तई साहिब DIPP बैच 10, इसके बाद है हम एडवांस डिप्लोमा इन कल्चरल आर्ट्स गुलशन कैंपस उस्मा दीशान साहिबा, मौजूद मेहमान स्टेज पर मौजूद है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ उससे जरा शेख साहिबा से तशरीफ लाइए और अपनी एक तवील मेहनत का सफर वसूल कीजिए, ADCA बैच 36 जजा से गुजारिश है, तशरीफ लाइए ADCA बैच 36 मिस जरबिया खान, तशरीफ लाइए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें, जनरल फर्नांडिस अगला नाम हमारे पास, तालियां आपकी साथ देंगी महफिल का हुसन दोबारा होगा, मैं गुजारिश करूंगा ADCA बैच 36 मोहम्मद बिलाल साहब, तशरीफ लाइए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें, तमाम तलबा और तलबा से गुजारिश है कि सामने फोटोग्राफर्स को जरूर देख कर आए, इनके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ रबीना नफीस रजवी साहिबा
तशरीफ लाइए। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्पिटिशन इस वक्त जारी है कौसम का, और मैं अब गुजारिश करूंगा सुमन इरफान साहिब से जिनका ताल्लुक है बैच 38 से। कलरी आर्ट्स में आपने अपना पढ़ाई का सफर मुकम्मल किया है, आपके बाद मेरी गुजारिश है खसर खान से। मौजूदा तशरीफ लाइए। कलरी आर्ट्स बैच 39 निमरा अहमद तशरीफ लाइए और अपना सर्टिफिकेट मौजूद मेहमान आने के नाम ही याद वसूल करें। बैच 39 से ही गुजारिश कर रहे हैं सालिया अहमद हाशमी साहिब से। आपकी तालियां होंगी, खुशियां दोबाला हो जाएंगी। इसी के साथ हम ममनून उस्मान लखानी साहब के, थैंक यू सो मच सर, यू हैव योर सीट। आपकी भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करते हैं उस्मान लखानी साहब का जो स्टेज पर तशरीफ लाए, और हौसला अफजाई की तो बहुत अलबा की। गुजारिश कर रहा हूँ फौजिया अजहर साहिबा से जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाक होटल एसोसिएशन की, आपकी भरपूर तालियों में मैम स्टेज पर तशरीफ लाइए, और ताकि हम अपने इनके बाद बैच 40 से ही मोहतरमा आयशा मंसूर साहिबा कलरी आर्ट्स सर्टिफिकेट मुकम्मल किया, साथ ही मजहर अली शाह जनाब एडीसी एच 40 साइमा वजीर साहिब आएंगी और अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगी। हमारी मेहमान मोहतरमा फौजिया अजहर साहिब तशरीफ लाई हैं, आप लोगों ने तालियां उनके लिए बजाने में खासी कंजूसी की है। एडीसीए के बैच 40 की जानी पड़ेगी वकास अहमद साहब तशरीफ लाइए। इनके बाद अरीज नवाब साहिबा एडीसीए बैच 43 मेरी गुजारिश है मिस सैयद अला मासूमा मेहंदी। एनर्जेटिक क्राउड से बैठे हो तालियां दम तोड़ दें तो अफसोस होता है। सकीना मोदी साहब से गुजारिश तशरीफ लाइए। आपके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ अफनान जकी से, तशरीफ लाइए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। गुजारिश होगी रुकैया फकीर मोहम्मद साहब से। मैं दबाज करूंगा मिस फातिमा शाहिद GDICA बैच 16 से आपका ताल्लुक था, और बहुत सारी नई तमन्नाएं मुस्तकबिल के लिए आपसे। बैच 16 से ही अब्दुल्ला लाखानी साहब तशरीफ लाइए जनाब, मेहनतों का समर पा लीजिए आज। इनके बाद बैच 17 हिमा परवेज साहिबा का नाम हमारे पास मौजूद है, तशरीफ लाइए, तालियां होनी चाहिए। मरियम मुश्ताक साहिबा तशरीफ लाएं। आपके पास गुजारिश है हमारी मिस अलीना फातिमा से GDICF से आपका ताल्लुक, महनूर शेख साहिबा से मैं तमाश करने लगा हूं। हम गुजारिश करेंगे अस्मा आमिर से, मेरी इस्तेमाल होगी महक अयूब साहिब से के मोहतरमा तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट मौजूद मेहमान आने की नामी से वसूल करें। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस फौजिया सर के जिन्होंने स्टेज पर आकर अपना कीमती वक्त सर बहुत अलबात के लिए दिया है। साथ ही गुजारिश कर रहे हैं नाहिद अंसारी साहब से, सेलिब्रिटी शेफ हैं, आप देखते रहते हैं जानते भी हैं, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए मौजूद मेहमान के लिए। आरजू खान का नाम हमारे पास मौजूद, तमाश करेंगे मैम सोहा मतीन से, तशरीफ लाइए। और साथ ही बैच 17 से आखिरी नाम मोहतरमा अस्मा शाहिद, बैच 18 पर नजर डालते हैं, पहला नाम सादिया अहसन खान, बैच 18 दूसरा नाम नवाब पीर बख्श ताजपुर। इकबाल ने कहा था उफक से आफ्ताब उभरा गया दौरे गिरा था भी दलील सुबह
है, रोशन है सितारों की तनकारी और आप लोगों का चमकना रोशन मुस्तकबिल की नबी। मैं गुजारिश करूंगा मदीहा खालिद साहब से, मिस मदीहा खालिद। मैं गुजारिश करूंगा लुफ्ना अब्दुल रब साहब से, तशरीफ लाइए। और अगला नाम हमारे पास है सभी अहमद कुरैशी साहब। सांस रुकता है, तालियां की कमी महसूस होने लगती है। मैं गुजारिश कर रहा हूं नूर अहमद खान साहब से भी, आप भी तशरीफ लाएं और सर्टिफिकेट मौजूद मेहमान गिरामी से वसूल करें। बैच 18 से मोहम्मद जहांगीर इदरी साहब, आप तमाम काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर एक बहुत अच्छे अंदाज में तमाम मामले को सर किया। एमन नौमान साहब का नाम मेरे पास मौजूद, तशरीफ लाइए। ये साबिर साहब ने कहा था कि उनके स्टूडेंट्स इतने जो है वो खामोशी से नहीं बैठ सकते, आपकी तालियां नहीं बज रही हैं। समी इकबाल साहब का नाम बैच 20 से, समी इकबाल साहब बहुत मारूफ शख्सियत मालूम होते हैं अपने बैच की, तो तालियों में जरा एक मरतबा जान आ जाए जो जिंदगी की अलामत हो। अदीना खानम साहबा बैच 20 GDICA बैच 20। तीसरा नाम मीशा अमीर GDICA बैच 20। अनम शकील साहब तशरीफ लाइए। मौजूद मेहमान आने गिरामी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ मिस विश्वा वसीम से, तशरीफ लाइए और अपना सर्टिफिकेट वसूल कीजिए। इसी के साथ हम बेहद मशहूर बेहद मशहूर शुक्रिया अदा करते हैं नाहिद अंसारी साहबा का। सेलिब्रिटी शेफ हैं, सेलिब्रिटीज के पास वक्त कम होता है लेकिन आपने तलबा तलबात के लिए वक्त निकाला। साथ ही मैं गुजारिश कर रहा हूँ काशिफ रिजवी साहब से, होटल मैनेजर हैं बीच लग्जरी होटल के, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाइए सर। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल आप हैं, मिस अनम रफीक तशरीफ लाइए। महनूर खालिद साहबा बैच 20 से आपका ताल्लुक। आपके बाद मेरी गुजारिश सैयद मोहम्मद बिलाल हसन मोहतरम तशरीफ लाइए। गुजारिश करेंगे मोहम्मद जैन कुरैशी से, कॉन्वोकेशन तालियों के बिना अधूरा हुआ करता है। मोहम्मद इब्राहिम खान, मोहम्मद अजान कुरैशी, अजान कुरैशी साहब तशरीफ लाइए। और आपके बाद आएंगे मोहम्मद इब्राहिम खान GDICA बैच 20। अब पढ़ेंगे भी GDICA बैच 21 के जाने। पहला नाम मोहम्मद साद शफा, बैच अगर अपने लिए ही तालियां बजा दे तो भी बहुत हो जाएगा, कजूसी नहीं बरतनी चाहिए। रोमैसा हयान महमूद साहब का नाम हमारे पास मौजूद, हम गुजारिश कर रहे हैं विस्तुआ खान से, आइए जी। साथ ही गुजारिश है एलन मार्कस से, बेहद शुक्रगुजार हैं काशिफ रिजवी साहब के जिन्होंने हमारी दरख्वास्त पर वक्त निकाला। मशहूर तालियों में सर आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी नशिस्त गिरा लीजिए। साथ ही मैं गुजारिश कर रहा हूँ तहसीन कानी साहब से, आपकी भरपूर तालियों में सर स्टेज पर तशरीफ लाएं। आगे बढ़ते हैं, मैं गुजारिश करूँगा रमला शाहिद साहब से तशरीफ लाइए। रमला शाहिद के बाद हमारी गुजारिश है गोयला शाहिद से, सैयद निजाम महमूद साहब GDICA बैच 21 से आपका ताल्लुक, सर्टिफिकेट मुकम्मल किया। मौजूद मेहमान आने गिरामी से अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। तालियां और जज्बा कुछ इसी तरह रहना चाहिए। तूबा तारिक साहिबा का नाम हमारे पास मौजूद है, तशरीफ लाइए। मिस तूबा तारिक के बाद हमारी गुजारिश होगी मोहम्मद अम्मार यूनुस से, अगर ताकत गले पर लगाने के बजाय हाथों में लगा ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी तालियां रिदम पर करा रखेंगी। काशान लखानी साहब, हम
अखबार यूनुस इस वक्त अपना सारा डिविडेंड वसूल कर रहे हैं, इनके बाद आएंगे काशान लखानी और आपके बाद टाइप 21 से आखिरी नाम अबू हुरैरा। आप लोगों के हाथों को स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि आपका सारा काम ही हाथों के जायके पर मबनी होता है। टाइप 23 पर पढ़ेंगे है ना फारूक साहिबा, तशरीफ लाइए। आपके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ हामिद साहब से, GDICA में अपना सर्टिफिकेट मुकम्मल किया आपने, बैच 23 से आपका ताल्लुक था, मिस मारिया रजा भी इसी बैच से ताल्लुक रखती हैं, आइए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। आपके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ लाला रुख सईद से, पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद रखना है दुनिया में जहाँ भी जाएं। अगला नाम बैच 23 से सैयदा हिना शहाब, तशरीफ लाइए। मतलब चारे बनी खान साहब, मैं तमाश करूंगा हसीब खान से, और आपके बाद हमारी गुजारिश है बैच 23 सदर अब्दुल मुत्तहा। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ स्टेज पर मधु करने लगा हूँ जनरल मैनेजर एम्बेसियन जनाब अचर भुट्टो साहब को, आपकी भरपूर तालियों में सर स्टेज पर तशरीफ लाइए और हौसला अफजाई कीजिए इन नौजवानों की। बैच 24 पर पढ़ेंगे पहला नाम मुनज्जा अनीस साहिबा, आपके बाद मिस कुरतुल ऐन तशरीफ लाएंगी। नगमे ने माहौल बना दिया मगर आपकी तालियां साथ नहीं देती हैं, अनम सा इकबाल साहिबा से तालियां बजाना फ्री है मुआशरे में, कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ती। बैच 27 GDICA जवेरिया खातून का नाम हमारे पास मौजूद है, तशरीफ लाइए जवेरिया। नगमा रुकता है तो तालियों की कमी हद से ज्यादा महसूस होने लगती है, बिल्कुल। साथ ही गुजारिश कर रहा हूँ मिस महनूर खलील से, और ये भी आपको बताते चलें कि आज की सारी तकरीब आप कौसम कराची के पेज पर लाइव भी देख सकते हैं और बाद में भी देख सकेंगे। मैं गुजारिश करूंगा जवेरी आपको रऊफ साहिब से, जब तक सर्टिफिकेट कौसम मेहमान आने के नाम से वसूल करें। साथ ही बैच 27 से आपका ताल्लुक समरीन इरफान साहिबा, तशरीफ लाइएगा। मैं गुजारिश करूंगा हिना अंजुम इशरत से, साथ ही हमारी इल्तिमास है अहमद रशीद साहब से, तशरीफ लाइए और अपना सर्टिफिकेट वसूल कीजिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मिसबा आसिफ से, मोहतरमा आइए। खैरुल नाज़रान अब्दुल रहमान साहब, इंजीनियर साबिर साहब, नजीब हारून साहब इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, अहमद शफीक साहब हौसला अफजाई कर रहे हैं आप लोगों की। मैं गुजारिश करूंगा साजिदा देसाई से, बैच 27 साहब का ताल्लुक, तालियां आपकी चलती रहनी चाहिए साथ साथ। साथ ही मेरी गुजारिश मोहम्मद हुसैफा साहब से, GDICA बैच 27। अगला नाम सैयद खजर ताहिर, साथ ही आपको ये भी बताते चलेंगे इनके गले में मौजूद जितने मेडल्स हैं इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबियां समेटी हैं, तो भरपूर तालियां होनी चाहिए इस नौजवान के लिए जो पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करके, तालियों में अभी तक वो तेजी नहीं है, वो ठाक नहीं है। ठीक है जी, मैं गुजारिश करूंगा इनके बाद सैयद खजर ताहिर से, ठीक है जी। जैनब सुहेल साहिबा, तशरीफ लाइएगा। साथ ही अब हमारी गुजारिश होगी हुसैन शहरियार साहब, GDICA बैच 27 का ताल्लुक, तशरीफ लाएंगे अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। और इसी के साथ वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अथर भुट्टो वो इस जनरल मैनेजर एम्बेसी इन सर, आप बहुत शुक्रिया आप स्टेज पर तशरीफ लाए और आपने हमारी दरख्वास्त पूरा किया। मैं इल्तमास कर रहा हूँ
हेड ऑफ कॉर्पोरेट सेल्स वाइटल ग्रुप जनाब फरकान अली खान साहब से मेहमानाने गिरामी के लिए तालियां जानदार होनी चाहिए। सर तशरीफ लाइएगा। हम पढ़ेंगे डिप्लोमा इन एयर हीटिंग एंड रिजर्वेशन सिस्टम गुलशन कैंपस की जाने बैच 9 से ताल्लुक मेरा जाहिर साहब। आपके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ महा सईद अहमद से। महा सईद अहमद तशरीफ लाइए। आपके बाद फराब बहाब से दीजिए बैच 9 से आपका ताल्लुक था। अब पढ़ेंगे डिप्लोमा इन होटल एम्प्लॉई ऑपरेशन गुलशन कैंपस बैच 5 से आपका ताल्लुक मीर मसूद अहमद साहब। मिस किसा फातिमा का नाम भी मेरे पास मौजूद है तशरीफ लाइए। मौजूदा गुजारिश करेंगे रमीन बखार साहिबा से तशरीफ लाइए। आपके पास गुजारिश है बीनिश अहमद साहिबा। अब बढ़ेंगे डिप्लोमा इन होटल ऑपरेशन गुलशन कैंपस बैच 6 की जाने मोहम्मद खजर इमरान। जनाब और बैच 6 से ही ताल्लुक मोहम्मद इब्राहिम साहब। आपकी तालियां साथ देंगी जब वो अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। इसी के साथ हम बेहद ममनून हैं फरकान अली खान साहब के जो कि बतौर कॉर्पोरेट सेल्स वाइटल ग्रुप में हेड के प्राइस सर अंजाम देते हैं। सर थैंक यू सो मच आप स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं इल्तमास कर रहा हूँ उमर कासिम साहब से CEO लाल किला ग्रुप। सर तशरीफ लाइए और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे मौजूद मेहमान का साथ दीजिए। आपकी भरपूर तालियां मौजूद मेहमान के लिए होनी चाहिए। आप पढ़ेंगे ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट पहला नाम मेरे पास महक तनवीर साहिबा। इनके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ महविश मोइन साहिबा से तशरीफ लाइए। हम गुजारिश करेंगे फवादुल हक साहब से GDHM और बेहद ममनून इसी के साथ फुरकान अली खान साहब के। सर आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हौसला अफजाई की। थैंक यू सो मच फुरकान फुरकान साहब के लिए एक मरतबा फुरकान अली खान साहब के लिए भरपूर तालियां। साथ ही हम वेलकम कर रहे हैं स्टेज पर उमर कासिम साहब को CEO हैं लाल किला ग्रुप के। मैं गुजारिश कर रहा हूँ समीर से गुलशन कैंपस से आपका ताल्लुक है तशरीफ लाइए। गुलशन कैंपस बैच 17 के जाने पड़ेंगे सायरा बानो से मेरी गुजारिश होगी। मैं गुजारिश करूंगा कि सनूशा खान से तशरीफ लाइएगा। हम इतमास कर रहे हैं मिस सुमेरा खान से। आपकी तालियां अगर साथ दे दें तो हुस्न तो वाला हो जाए। माफ कीजिएगा जी सुमेर खान बैच 17 से आपका ताल्लुक। सुमैर की हंसी परवरदिगार सलामत रखे। बैच 18 कामरानुल हक साहब का नाम हमारे पास कौन कामरान साहब के बाद मैं गुजारिश करूंगा माज हमीद खान साहब से कि आइए जरा और तालियां बजती रहे। और इसी के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं वी आर वेरी थैंकफुल टू CEO लाल किला ग्रुप उमर कासिम साहब। सर आपने स्टेज पर तशरीफ लाकर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे मौजूद मेहमान का हिस्सा बने आप। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद हसन साहब जो कि डायरेक्टर वाओ एजुकेशन वैली है आपकी भरपूर तालियों में। सर स्टेज पर तशरीफ लाइए। साथ ही बैच 18 से शाहजरा बीक साहिबा का नाम हमारे पास मौजूद है तशरीफ लाइएगा। पाकिस्तान के इस परचम को सर बुलंद रखना है। अगला नाम काजी मोहम्मद साद इब्राहिम बैच 18 से आपका ताल्लुक। GDHM 19 गुलशन कैंपस पहला नाम कश्मीर राव साहब। और आपके बाद मेरी गुजारिश होगी सैयद बदाउद्दीन साहब। तालियां होनी चाहिए क्वालिफिकेशन तालियों के बिना अधूरा होता है। इसी के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं मोहम्मद हसन साहब का जो कि डायरेक्टर हैं वाओ एजुकेशन वैली। सर थैंक यू सो मच आप स्टेज पर तशरीफ लाए। चैंपियंस देखो बैच 1 में
पहली पोजीशन हासिल की अफशा इकबाल साहिबा ने। पढ़ेंगे जनाब बैच टू की जाने डीसीए बैच टू थर्ड पोजीशन मोहम्मद उस्मान। बैच वन का हमने जिक्र किया था रूबा फातिमा, सेकंड पोजीशन जबकि अफशा इकबाल ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, बैच टू में मोहम्मद उस्मान साहब ने तीसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि डीसीए बैच टू सेकंड पोजीशन सनोवर अब्बासी साहब के नाम रही। और बैच टू में फर्स्ट पोजीशन यानी सबको पीछे छोड़ा नेस्कोमन मसूद बेग ने। और इसी के साथ हम शुक्रगुजार हैं हमारे मौसिस मेहमान जनाब जुबैर सूरती साहब के कि आप प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए और अपने कीमती लम्हात आपने स्टेज पर भी दिए। थैंक यू सो मच सर।